रेड क्रॉस समिति के द्वारा बेटी बचाओ अभियान के तहत एक सभा का आयोजन नेहरू पार्क गेट पर किया गया। बेटी बचाओ अभियान के तहत मॉडल टाउन के नेहरू पार्क गेट पर एक सभा का आयोजन जिला रेड क्रॉस समिति के तत्वाधान में हुआ। समिति के सचिव श्री श्याम सुंदर शर्मा ने सभी आए हुए लोगों व युवा वर्ग को अभियान के से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हम सबको शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। इस अवसर पर डिप्टी CMO डॉक्टर विजय दहिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर शहर के गुरु नानक खालसा कॉलेज, DAV कॉलेज, MLN कॉलेज, एवरेस्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभा के बाद कैंडल मार्च निकाला गया, जो नेहरू पार्क से होता हुआ प्यारा चौक, मधु होटल चौक व बिकानी चौक से होता हुआ नेहरू पार्क पहुंचा। उसके बाद हम लोग एक मार्च निकालेंगे। ये मार्च हम लोगों का पहले से चल के फुआरा चौक से प्यारा चौक और DAV स्कूल में जाकर संपन्न होगा। इसमें भी हम लोग यही संदेश देंगे कि बेटी बचानी चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या बिल्कुल खत्म हो। उसमें हम एक शपथ भी दिलवाएंगे लोगों को, जिसमें सभी लोग शपथ देंगे कि वो ना तो भ्रूण हत्या करेंगे ना करने देंगे, और जहाँ जहाँ भी वो रहेंगे, जैसे जिस भी भूमिका में रहेंगे। ठीक है जी, एक मिनट कुछ। हाँ डॉक्टर, जबकि आज की तारीख में लड़की और लड़की में कोई अंतर नहीं है, कोई ऐसा काम भी नहीं है कि जो लड़की ना कर सके। आपके यमुनानगर में ही बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो लड़कियों ने काम किया। आप चाहे तो एजुकेशन देख रहे हैं, चाहे किसी भी क्लास का टॉप 10 में आपको लड़की मिलेगी, लेकिन बावजूद इसके भी लड़कियों को दैनिक पास करने इस मुद्दे को लिया। दैनिक पास करने का कि नहीं, हमें ये काम करना चाहिए। बाहर निकालना अलग चीज़ है, सामाजिक सरोकार से सामाजिक चेतना लाना अलग चीज़ है। दैनिक भास्कर ने इस इनिशिएटिव को लेते हुए, इस उद्देश्य को लेते हुए ये कार्यक्रम चलाया। ये कार्यक्रम हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में अनमैरिड है, एक बेटी है। बेटी पिछले 6 महीने से नौकरी कर रही है, बहुत कम तनख्वाह है। इनका कहना यह था कि बेटे ने आज तक एक भी पैसा नहीं दिया और बेटी अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह उड़े रहती है। ना सिर्फ ये बात, बेटा पूछता कि डैडी आप क्या लेके आए हो, मीडिया पूछते हैं कि डैडी आप को पानी पियोगे क्या। और उस बेटी को हम लोग पैदा नहीं करना चाह रहे। कितनी शर्मनाक स्थिति है ये। हम लोग चाहते हैं कि स्थिति बदले। जो जवानी, आप सुनिए, आप ताली मत बजाइए, ताली बजाएंगे तो मेरा 3 मिनट खत्म हो जाएंगे। 3 चीज दुनिया में करिए। आज मुझे इतनी खुशी है कि आज से 11 साल पहले जो पौधा मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी वाइफ ने भिवानी से लगाया था, वैसे अभियान को दैनिक भास्कर ने अपने सर पे उठा के दुनिया के अंदर ले जाने का काम शुरू किया है। स्वाभाविक है कि जो अकेला व्यक्ति 11 साल में जो करता, वो आप जब इतने लोग मिल जाएंगे, किसी का मजाल नहीं है। 3 काम आपको इस दुनिया में करना है। पहला, आपको किसी को प्रेरित करने का जीवन पर्यंत। जब एक पत्नी आती है 15 दिन पहले, 25 दिन बाहर घूमने जाती है हवाई जहाज में, और वो पति के साथ कहती है कि मैं अकेली रहूंगी, बिल्कुल नहीं। जब माता पिता हमें पैदा करते हैं, जीवन पर्यंत अपने माता पिता को साथ रखिए। ये सबसे बड़ा धर्म है, याद रखिएगा आप, क्योंकि जिसके माँ बाप साथ नहीं, उसके साथ तो भगवान भी नहीं हो सकता है। अरे जो पत्नी आपके साथ कल आई है, किया है और बच्ची को बचाने का जो आपने मुद्दा उठाया है, हम सब आपके साथ हैं। MLN कॉलेज के बच्चे, नर्सिंग स्कूल के हैं, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज के हैं, हमारा तो नई गर्ल्स कॉलेज। और समाज का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हम बच्ची को सुरक्षित रखेंगे। हमें कल्पना चावला और चाहिए, हमें और कल्पना चावला चाहिए, और वो तभी हो पाएगा। एक ऐसा बहुत ही गंभीर मुद्दा के लिए बार बार कहीं PNDT एक्ट और कई तरीके की चीज़ें सरकारी तंत्र कोशिश कर रहा था, लेकिन एक चीज़ महसूस करी गई कि जब तक आम लोग इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा, क्योंकि एक अपराधी कम है और सामाजिक सुधार है। मैं एक चीज़ जरूर, यहाँ जितनी भी मेरी बेटियाँ लगा लो, बहनें लगा लो और लगे बैठे हैं यहाँ, उनसे मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि
कि जहाँ कहीं भी कन्या की हत्या होती है कहीं ना कहीं एक महिला वहाँ जरूर साथ होती है। अगर एक महिला भी शामिल नहीं हो गई तो किसी भी कन्या की भ्रूण हत्या नहीं हो सकती। दूसरा, आज आप देखो कि कई बार एक जहाँ एजुकेशन कम है वहाँ लोग बेटा क्यों चाहते हैं, वो एक ही इसके बारे में प्ली लेते हैं कि हमारा वंश चलाएंगे, और उसके जवाब में हम कई बार लोगों से पूछते हैं कि आप अपने अपने से छः पीढ़ी के जो ऊपर के आदमी हैं उनका नाम बता दो कि आप किसका समझ चला रहे हो, वो शायद पाँचवीं चौथी के बाद रुक जाते हैं। सिर्फ एक मिथ्या है ये कि लोग अपना वंश चला रहे हैं। आज अगर हम देश की जो सबसे महत्वपूर्ण नारी है इंदिरा गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, तो वो आप उस वहाँ से देख सकते हैं कि महिलाओं ने जो है देश में उनको किस किस का वंश चला रहे हैं। ये कोई नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है, और इस चीज़ के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो जो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ सकता है तो वो सबसे जो जरूरी है वो हमारा युवा वर्ग है। युवा वर्ग जिस शहर में और जिस देश में आँख और नाक का काम करेगा, ना तो कोई आपराधिक तत्व उस वहाँ पनप सकते हैं जैसे शक्ति साहब ने कहा, और ना ही कोई सामाजिक बुराई वहाँ पैदा हो सकती है, क्योंकि हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और आपका ये जो आज का जो कैंडल मार्च है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा, इस बात से शक्ति साहब की सहमत हूँ कि जो आदमी इस कार्य में लगे हुए हैं पीएनडीटी में, जो अपनी महिला बच्ची का भ्रूण बताते हैं और उसके बाद हत्या होती है, उस बच्ची की हत्या होती है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। और ऐसी कमाई करने वाले शुक्रगुजार करता हूं, और मेरा खास धन्यवाद है भास्कर ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर से जिन्होंने इस बहुत ही पावन कार्य के लिए आप लोगों को यहाँ लाया और इस कार्य के लिए उन्होंने आज भी मिला हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोगों ने इसके लिए मोटिवेशन मिला है सब लोगों को, कि अभी छोटा कहा, अभी जो सर ने बताया कि ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि लड़कियों को बचाने वाला होता, तो लड़कियां तो बचानी ही है, साथ में यह भी एक डिग्निटी बना के रखनी है, एक अपनी इम्पोर्टेंस आप खुद रियलाइज हर बंदे को हो जाएगा हमारी सोसाइटी में क्या वैल्यू है, कि जो ये बातें हैं हमारे दिल से निकलेंगी, हर एक के दिल से निकलेंगी। और उसमें जो हमें बुलाया सर ने कि इसमें हिस्सा लेने के लिए लड़कियों को, लेडीज को, हम लोग लड़कियाँ थी, मेरे को कहा गया कि आप अपनी घरवाली का या अपना ऑपरेशन कराएं, तीन लड़की हैं आपके पास, तो मेरे को, मैं अपनी मिसेज के पास गया, कहने लगे क्या करेंगे, बुवे लेके चले जाएंगे लड़की के पास, कौन तो आज वो मैडम चरौरा की सरपंच है और पहली मेरा सरपंच है और तीन बुवे हैं मेरे पास। ये बात नहीं, एसपी की कोठी तक आवाज जाना चाहिए, जागेंगे जगाएंगे, बेटी को बचाएंगे, बेटी को बचाएंगे, बेटी है घर का मान, बेटी है घर का मान, ये सबको बताएंगे, ये सबको बताएंगे, कन्या भ्रूण हत्या मिटाएंगे, कन्या भ्रूण हत्या मिटाएंगे, बेटी का मान बढ़ाएंगे, बेटी का मान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नीम का पे चंदन से कम नहीं, यमुनानगर से हर लंदन से कम नहीं। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। जागेंगे, 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 जागेंगे,
भ्रूण हत्या सबको।